पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वह ईश्वर पूर्ण है, उस पूर्ण में से कुछ निकाल दो तो भी वो पूर्ण है, जो निकला वो भी पूर्ण है, मिला दो तो भी वो पूर्ण ही रहेगा। उसकी पूर्णता कभी नष्ट होने वाली नहीं है, वो सर्वव्यापी सत्ता है। और उसी ईश्वर ने, परम ब्रह्म परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। किस प्रकार से जीवों को बनाया तो किस प्रकार से अनेक प्रकार के जीव जो सुख दुख का अनुभव करते हैं, जो कभी रोते हैं तो कभी हंसते हैं, कभी उदास हो जाते हैं कभी प्रसन्न हो जाते हैं, जीवन में अनेक ही प्रकार के भाव जीव के मन में उत्पन्न होते हैं, अनेकों भाव उत्पन्न होते हैं, अनेकों अनुभूतियां होती हैं, लेकिन ये अनुभव कौन करता है, किसे होता है, आधार क्या बनता है, किस कारण से बनता है। इस संपूर्ण संसार की रचना संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कृण करतार, कि जड़ और चेतन से मिलाकर इस संपूर्ण सृष्टि को बना दिया, इस सृष्टि का निर्माण किया। चेतन क्या है, जड़ता क्या है, हम कितने आध्यात्मिक हैं, हम कितने सांसारिक हैं, कितने भौतिक हैं, इनसे मिलकर जीव का निर्माण हुआ है। लेकिन ये चैतन्य जगत, इसके विषय में उपनिषदों में एक मंत्र आता है कि कैसे प्रभु ने इस चैतन्य जगत का निर्माण किया। प्रश्न उपनिषद के अंदर, सह इच्छां चक्रे कस्मिन्नहमुत्क्रांत उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन्नवा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामिति, अर्थात ईश्वर ने आदि में जगत की रचना करने वाले परम पुरुष परमेश्वर ने विचार किया कि मैं जिस ब्रह्मांड की रचना करना चाहता हूं उसमें एक ऐसा कौन सा तत्व डाला जाए कि जिसके न रहने पर मैं स्वयं भी उसमें न रह सकूं, अर्थात रहते हुए भी मेरी अनुपस्थिति प्रकट हो, उपस्थिति प्रकट ना हो, मेरी सत्ता स्पष्ट रूप से व्यक्त ना रहे और जिसके रहने पर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे। और ये वस्तु, ये तत्व थी चेतना, और इस चेतना से ही जीव का निर्माण हुआ, पुरुष और प्रकृति को मिलाकर। जल और चेतन, इनको मिलाकर सृष्टि का निर्माण किया गया। इस जीव के अंदर प्रकृति है, पुरुष है, शरीर है, शरीरी है, जल है, चेतन है, मैटर एंड एनर्जी, कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, अनात्मा एवं आत्मा, शरीर और शरीरी, देह और देही, इससे मिलकर जीव का निर्माण हुआ। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को यही तथ्य समझाते हुए कहते हैं, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जल चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए जीवों की उत्पत्ति के विषय में, भूतों की उत्पत्ति के विषय में बताते हैं कि जल और चेतन से
इनके संयोग से मैं जीव जगत का निर्माण करता हूं और जीवों का निर्माण करता हूं। अर्थात प्रत्येक जीव के अंदर चेतनता भी है जो कि उसके अस्तित्व का कारण है, और उसके अंदर जड़ता भी विद्यमान है। इन दोनों चीजों के संयोग से यह सृष्टि बनी और संपूर्ण जीवों का निर्माण हुआ। तो आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि जीव क्या है और जीव का निर्माण, ये जीव जो सुख दुख का अनुभव करता है, जो पंच विकारों के वशीभूत होता है, कभी लोभ के वशीभूत, कभी मोह के वशीभूत, कभी अहंकार के वशीभूत, जो बोलता है और जो सुनता है, वो इस शरीर का शरीर ही है, वो इसका प्रयोग करता है। उसके लिए ये स्थूल शरीर एक यंत्र मात्र है जो इसका प्रयोग कर रहा है। तो वो जीव की गति क्या होती है? क्या वो मरता है? शास्त्र कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी को स्वामी तुलसीदास जी की रचना है, जहां पर उन्होंने जीव को अविनाशी बताया। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को समझाते हुए यही कहते हैं, न जायते मृते वा कदाचित् नाय भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि हे अर्जुन, यह जीवात्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यह जीव तो ब्रह्म में जाकर विलीन होता है, लेकिन इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। ये एक शरीर को छोड़ता है, दूसरे शरीर को धारण करता है। वासांसि चरणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीरानि विहाय चरणान्यानि संयाति नवानि देही। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त हो जाया करता है। ये जीवात्मा की गति है। और फिर ये जीव दूसरे शरीरों को प्राप्त करके फिर से अपने कर्मों के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार सुख दुख का भोग करता है। जब हम इस विषय में चर्चा करते हैं तो कुछ संतों की वाणियों में वर्णन आता है कि 84 लाख योनियां होती हैं और 84 लाख योनियों में जीव भटकता है। थोड़ा सा हम विचार करें इस 84 लाख योनियों के ऊपर कि 84 लाख योनियां किस प्रकार की हैं। कई लोगों का मानना है 84 लाख योनियां कुत्ते की योनि, बिल्ली की योनि, और कई पशु हैं, कई जानवर हैं, उन योनियों में जाकर जीव भटका करता है। लेकिन जब बात 84 लाख तथ्य की आती है तो क्या इस संसार में 84 लाख योनियां हैं? उससे कम है या उससे ज्यादा है? अगर हम इस क्षेत्र में थोड़ी खोज करें, थोड़ा अध्ययन करें, भौतिक दृष्टिकोण से अगर हम इस तथ्य को समझने का प्रयास करें, और ज्यादातर लोग भौतिक दृष्टिकोण से ही सोचते हैं, 84 लाख योनियों का शब्द का प्रयोग जब उनके समक्ष होता है तो यही सोचते हैं कि अनेक प्रकार के जीव, स्पीसीज, बहुत तरह के जीवों की प्रजातियां हैं, 8.4 मिलियन स्पीसीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ऐसा सोचकर वो चलते हैं। वैज्ञानिक हुए एक डैन ग्राउ एंड वेन सुंग ली, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी फंडामेंटल्स ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, जिसके अंदर उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि इस पृथ्वी पर इस समय 4.5 मिलियन टू 10 मिलियन स्पीशीज हैं, और आज भी नए स्पीशीज, नई प्रजातियां जीवों की खोजी जा रही है। करेंटली न्यू स्पीशीज आर बीइंग डिस्कवर्ड एवरी डे, प्रत्येक दिन जीव की एक ना एक प्रजाति मिल जाया करती है। अब तो फिर तो ये असंख्य है। अगर इस तथ्य को हम वेदों के या शास्त्रों के इस तथ्य से मिलाएं कि ईश्वर की रचना अनंत है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी रचना अनंत है। वो अपने रचना कार्य को नहीं रोकता, लेकिन जब बात 84 लाख की आती है तो यहां पर यह तथ्य झूठी साबित हो जाती है। 84 लाख योनियां जब कहा जाता है, या फिर हम वैदिक ग्रंथों का अगर अध्ययन करते हैं, गीता उपनिषद जो कि वेदों के भाष्य हैं,
उनका अध्ययन करते हैं तो उनमें जीवों की गति का वर्णन है कि जीव एक देह को त्यागने के बाद किस आधार पर, किस सिद्धांत पर, कौन सा विज्ञान कार्य करता है जिसके आधार पर जीव एक देह को छोड़कर दूसरा देह धारण करता है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर धारण करता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को बहुत विधि से इस तथ्य को समझाते हैं, लेकिन गीता उपनिषद और वैदिक ग्रंथों में कहीं पर भी 84 लाख शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। लेकिन आधुनिक युग में कई भक्त संतों की वाणियों में 84 लाख शब्द का प्रयोग मिल जाया करता है, लेकिन जहां पर भी ये शब्द का प्रयोग मिलता है वहां पर कहीं पर भी 84 लाख योनियों का तात्पर्य 84 लाख जीवों से या उनकी प्रजातियों से नहीं, ये जीव के उस चेतना के स्तर से है जहां से वो, जिस चेतना के स्तर से अपने देह का त्याग कर दूसरे देह में को धारण करता है, ये उसकी चेतना के स्तर पर निर्भर करता है कि उसकी चेतना कितनी शक्तिशाली है, कितनी कमजोर है, क्योंकि चेतनता ही जीव के विद्यमान होने का, उसमें ईश्वर के विद्यमान होने का प्रमाण हमें देता है। यद्यपि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन उपनिषदों के मत के अनुसार चैतन्य को निर्मित किया परमात्मा ने, जिससे कि उसके होने से उसका होना प्रमाणित हो, भौतिक रूप से दृष्टिकोण दृष्टि में हमारे आ जाए कि हाँ उसके अंदर चेतना है, ईश्वर है। लेकिन जैसे ही वो नहीं रह जाती तो ऐसा लगने लगे कि जैसे ईश्वर ही नहीं है, वो निष्क्रिय हो जाती है, वो जीव निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए ये चैतन्य जगत, चैतन्य और जड़ से मिलकर परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, और हमारे धर्मशास्त्र, हमारे उपनिषद ऐसा ही करते हैं। भागवत महापुराण में तो 4 प्रकार के जीवों का वर्णन, जरायुज, फिर अंडज, फिर स्वेदज और फिर उद्भीज, 4 प्रकार के भौतिक दृष्टिकोण से 4 प्रकार के जीव संसार के अंदर होते हैं। लेकिन जीवों का अपना देह त्याग कर किसी भी योनि के अंदर प्रवेश करना, इसका क्या आधार है? वो जरायुज बनेगा, अंडज बनेगा, स्वेदज बनेगा, उद्भीज बनेगा, या फिर फंडामेंटल्स ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के अंदर तो जो एक एस्टिमेट, जो अनुमान लगाया गया है 4.5 मिलियन टू 10 मिलियन स्पीसीज आर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, वो किस योनि के अंदर जाएगा, किस प्रजाति में वो जाके प्रवेश करेगा, इसके पीछे कौन सा सिद्धांत, वो चेतना का स्तर उसका क्या होगा जीव का, और फिर वो कौन से योनि को प्राप्त हो सकता है, कैसी योनि को प्राप्त हो सकता है, किस आधार पर वो अपना एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है, आखिर वो आधार क्या है। अगर हम इस तथ्य को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें ये और अच्छे से जानना होगा कि आखिर जीव क्या है, जीव की संरचना के विषय में समझना पड़ेगा। तो हमारे धर्मशास्त्र, हमारे विद्वान, हमारे संत ऋषि मुनि आदि गुरु शंकराचार्य, विवेक जी, विवेक चूड़ामणि के अंदर ऐसे कई तथ्य रखते हैं कि ये जो जीव है, ये जो मनुष्य है, इस जीव के कौन कौन से स्तर हैं। सबसे पहला, इस जीव के अंदर पाया जाता है अन्नमय कोश, जिससे उसके शरीर का निर्माण होता है, उसके भौतिक देह का निर्माण होता है, जड़ और चेतन। तो जड़ और चेतन कैसे मिले हुए हैं, इनके बीच में कैसे संबंध स्थापित होता है? तो प्रथम हम विचार करते हैं अन्नमय कोश, जिससे कि ये शरीर का निर्माण हुआ है, और ये पूर्ण रूपेण भौतिक है, नश्वर है, भौतिक और नश्वर है। अन्नमय कोश के पास ये स्थूल जगत है। हम सूक्ष्म जगत में जाए तो मनोमय कोश मिलता है। मनोमय कोश सूक्ष्म है, लेकिन है भौतिक, फिजिकल, ये भी फिजिकल है, ये कोई स्पिरिचुअल नहीं है, ये कोई चैतन्य नहीं है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसी से हमारा भोजन, ग्रहण किया हुआ भोजन मन को शक्ति प्रदान करता है, मन का निर्माण करता है, उसी भोजन से मन, मांस और फिर मल के रूप में जो बचता है वो बाहर निकलता है इस शरीर से, तो मन का भी निर्माण होता है। इसलिए मनोमय कोश ये कोई आध्यात्मिक कोश नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअल नहीं है, ये भी एक फिजिकल और एक भौतिक ही है। और उसके बाद प्राणमय कोश,
प्राणमय कोश जो कि आध्यात्मिक जगत से संबंध रखता है, लेकिन यह भी फिजिकल है, यह भी भौतिक ही है। फिर विज्ञानमय कोश जो कि आध्यात्मिक है, जो कि आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक साधना से इस कोश की जागृति होती है, इसकी वृद्धि होती है, इसका विकास होता है। हम कहते हैं विवेक की जागृति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, बिनु सत्संग विवेक ना होई। विवेक की जागृति होती है, आध्यात्मिक है, लेकिन ये संबंध रखता है भौतिक जगत से। और फिर आनंदमय कोश जो पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक है, पूर्ण रूपेण चैतन्य जगत है, विशुद्ध चैतन्य है, जहां पर यह आनंदमय कोश है। और इस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हुए जीव का निर्माण होता है। अब जब मृत्यु होती है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वासान से जीर्णानी यथा विहाय, कि जिस प्रकार से वस्त्र पुराने हो जाने पर हम पुराने वस्त्रों का त्याग करके नूतन वस्त्र धारण कर लिया करते हैं, वैसे ही जब ये शरीर पुराना हो जाता है, तब ये जीव जो जड़ और चेतन से बना है, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये उसके अंदर विद्यमान रहता है, सर्वदा ही विद्यमान रहता है उस जीव के अंदर। लेकिन अन्नमय कोश जो ये शरीर है, जो ये देह है, जो ये नश्वर शरीर है, उस नश्वर शरीर का त्याग करने के बाद अन्नमय कोश उस समय तो नहीं रहता, लेकिन मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, ये चारों बने रहते हैं। और फिर यही मन प्राण, ये जो ये कोश है, ये इस स्थूल देह का त्याग कर कर वो नूतन देह के अंदर प्रवेश करते हैं, नूतन देह के अंदर प्रवेश करते हैं, नवीन देह के अंदर प्रवेश कर जाया करते हैं। इसलिए जीवन और जीव कभी नष्ट नहीं होता, न जीव मरता है न जीवन मरता है। अब प्रश्न उठता है कि जीव किस कारण से और कैसे इस शरीर को त्यागता है, और किन गुणों के वशीभूत ये दोबारा देह धारण करता है, कैसे कैसे शरीरों को धारण कर सकता है, कैसे कैसे शरीर में जा सकते हैं, और इसके पीछे ऐसी ऐसे कौन से सिद्धांत जीव के ऊपर लागू होते हैं। शास्त्रों की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए यही कहते हैं कि पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगस्य सत्सद्योर्जन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। गुणों का संग, गुणों का संग, वो जैसे गुणों का संग करता है, वो जैसी इच्छा रखता है, जैसे भावों को रखता है मन के अंदर, उन भावों के वशीभूत, उन गुणों के वशीभूत ही वो दूसरा देह धारण करता है। तीन प्रकार के गुण होते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वम रजस्त्वम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन मन्ति महाबाहो देहे देही न मव्यम। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हमने अभी चर्चा सुनी अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये गुण है, ये जो तामसी गुण है, सात्विक गुण है, राजसी गुण है, ये जो गुण है ये जीव को शरीर से बांधते हैं, मन धारण करता है। हमारा जो मनोमय कोश है वो धारण करता है। इसलिए हमारे बहुत बड़े फकीर संत कबीर दास जी ने, संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा कि जैसा अन्न वैसा मन, इस विषय में चर्चा की कि ये मन जो है गुणों को धारण करता है, अनेक प्रकार के गुणों को धारण करता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर मनुष्य के विचार भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित होते हैं, और फिर उसके कर्म भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ही प्रभावित होते हैं। इसलिए तीन प्रकार के गुण जिसका हमें मन धारण करता है, और मन से संबंधित प्राण धारण करता है, प्राण उसी प्रकार से संचालित होता है, और फिर जो है ये जीव भटकता है, शरीरों के बंधन में पड़ता रहता है। इसी तथ्य को उजागर करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए और कहते हैं, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनायमयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानक। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण
प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। सत्व गुण सबसे उत्तम है, ये प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। सत्व गुण श्रेष्ठ है, सत्व गुण शांति प्रदायक है, सत्व गुण प्रकाश करने वाला है, विकार रहित है, परंतु सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से जीव को बांधता है। सतोगुणी व्यक्ति, सतोगुणी कर्म में लगा हुआ व्यक्ति, सतोगुणी अन्न ग्रहण करने वाला व्यक्ति, सतोगुणी विचार ग्रहण करने वाला व्यक्ति निश्चय ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन वो अपने आप को अभिमान से मुक्त ना कर पाएगा, अभिमान से ग्रसित हो जाएगा। कई बार अपने सत्वगुण के कारण ही अभिमान से ग्रसित होने कारण, और जब अभिमान से ग्रसित रहता है तो ये सत्वगुण भी जीव को बांधता है, सत्वगुण भी जीव को बांधता है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रजो रागात्मकं विधि तृष्णा संग समुद्भवम तन्नी बधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजो गुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। रजोगुणी व्यक्ति जिसके अंदर रजोगुण का वास जाता है, रजोगुण की प्रबलता है जिसके मन में, जिसके कर्म में, जिसके भोजन में, तो वह व्यक्ति रजोगुण के कर्मों से बांधता है, उसके फल से बांधता है। वह व्यक्ति प्रतिभा को प्रसन्न करने वाला होता है, प्रतिभाशील प्रतिस्पर्धाशील होता है, प्रतिस्पर्धा में लगा रहता है, कंपटीशन में लगा रहता है, कर्म में लगा रहता है, कर्मों के फल में उसकी जबरदस्त आसक्ति होती है कि मुझे ये प्राप्त हो, मुझे वो प्राप्त हो, अपनी तुलना एक दूसरे से करता रहता है, तो वो निश्चय ही बंधा हुआ रहता है और उसके ये शरीर से बंधे होने का कारण बनता है। तीसरा, तमस्त्व ज्ञानार्जम विधि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भिस्तम निबधनाति भारत। अर्जुन, जब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। कि जो तमोगुण है जीव को प्रमाद आलस्य भोगी प्रवृत्ति को पैदा करता है। व्यक्ति हमेशा आराम और सुख को पसंद करता है और उस प्रकार से ही जीवन जीना चाहता है, प्रमादी जीवन जीना चाहता है, इसलिए अत्यंत आसक्ति के वशीभूत रहता है। और यह आसक्ति प्रमाद से, संसारिक सुखों से, सुख आराम से, भोग विलास से वो व्यक्ति बंधा रहता है और ये उसके शरीर से बंधे होने का कारण बनता है। वो इन कारणों से शरीर से बंधा होता है। तो किन गुणों के, गुणों के वशीभूत जीव शरीर से बंधता है, लेकिन कर्म के कारण जब इस देह का त्याग होता है तब यह जीव जैसे गुणों को धारण करता है, जैसे भावों को धारण करता है, वो वैसे ही भूत को, प्राणियों को, वैसे ही योनियों को, वैसे ही शरीर को प्राप्त होता है। इस तथ्य को भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष रखा। यम यम वापी स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि अर्जुन, जो जो जिस भाव से, जिन गुणों को धारण करते हुए और उन गुणों के कारण जैसा भाव उनके मन में आता है, तमो गुण को धारण करने कारण तमो भाव आएगा, सतो गुण को धारण करने कारण सतो भाव, और रजो गुण को धारण करने के कारण रजो भाव मन के अंदर प्रकट होता है। और जब ऐसा भाव मन में प्रकट होता है तो मन प्राण, उसका विज्ञानमय कोश, उसका आनंदमय कोश, ये जो जीवात्मा बना हुआ है, इन चार कोशों के द्वारा जो जीव बंधा हुआ है, वह जीव भटकता है इन गुणों के वशीभूत होने के कारण। वह भटकता है, एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर को धारण करता है। हम अगर शास्त्रों से, पुराणों से अगर कोई उदाहरण ले तो महाभारत के अंदर राजा नहुष की कथा आती है कि राजा नहुष ने कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या करके राजा नहुष तपस्या किस लिए कर रहे थे? इंद्र की गद्दी को प्राप्त करने के लिए, इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए। और जब राजा नहुष की तपस्या पूर्ण हुई, अपनी तपस्या के प्रबलता से, अपने कर्म के कारण, जैसा प्रकृति का नियम है, कर्म के कारण अपने तपस्या के बल पर उन्हें इंद्र की गद्दी भी प्राप्त हो गई, इंद्र की पदवी भी मिल गई और वहां पर रहने लगे, लेकिन
मन ने रजोगुण को धारण कर रखा था, रजोगुण के वशीभूत था मन, और रजोगुण के वशीभूत होने के कारण मन के अंदर अहम भाव, तपस्या करने के कारण, तपस्या उनका सात्विक कर्म था, लेकिन उस तपस्या ने उनको अहंकार से बांधा, अभिमान से बांधा, और फिर प्रतिस्पर्धा, कुछ प्राप्त करने की, कर्मों के फल को प्राप्त करने की इच्छा, अति तीव्र इच्छा, ये रजोगुण का प्रमाण है। अब इस रजोगुण के वशीभूत उन्होंने अभिमान के वशीभूत होकर सप्त ऋषियों का अपमान किया, और जब अपमान किया, कथा आती है कि उन्हें श्राप मिला कि वो सर्प योनि में चले जाएं, और वो सर्प योनि में जाते हैं, अजगर की योनि में जाते हैं, बाद में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। ये आगे ही कथा में आता है, लेकिन हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि राजा नहुष किस मनोभाव के वशीभूत थे, किस किन गुणों के वशीभूत थे। रजोगुण के वशीभूत थे, सतोगुण के वशीभूत, उनके मन में अभिमान उत्पन्न हुआ, तपस्या की, अपने तपोबल से अभिमान उत्पन्न हुआ। जब वो स्वर्ग में चले गए, राजसी इच्छा थी कि मैं इंद्र की गद्दी को प्राप्त करूं, तो रजोगुण भी मन के अंदर भरा हुआ था, उसके अंदर भोग विलास में वहां लिप्त हो गए, भोग विलास में लिप्त हो गए स्वर्ग के अंदर जाकर, तो तमोगुण भी साथ में हावी हो गया, और फिर ये शरीर के साथ बंधन, और जब ये तमोगुण हावी हुआ, अंत समय आया, उनके द्वारा ऐसे कर्म हुए जिन कर्मों के कारण उनका जब अंत समय आया, उन्होंने उस देव योनि को छोड़कर सर्प योनि में प्रवेश करते हैं। सर्प योनि में जैसी इच्छा हुई, जैसी कामना थी, उस कामना के वशभूत वैसी अवस्था को व्यक्ति प्राप्त कर लिया करता है। तो ये जीव की गति है, जीव कैसी इच्छा रखता है। राजा जयभरत की कथा आती है कि जयभरत तपस्या कर रहे थे, उसी समय एक मृग के प्रति, एक शावक के प्रति उनकी आसक्ति हो गई, और उस आसक्ति में उनकी तपस्या भी भंग हो जाती है। तप करते, अगर वो शावक कहीं उनसे दूर चला जाता तो उनका ध्यान नहीं लगता, तप में मन नहीं लगता कि अरे वो शावक कहाँ गया, वो तो मेरे पुत्र के समान है, वो तो मेरी संतति के समान है, हमेशा उसकी चिंता, और उसकी चिंता ने, कहते हैं कि मृत्यु उपरांत वो उसी योनि को प्राप्त किया करते हैं। वर्तमान में भी ऐसी कई घटनाएं मिल जाती हैं, व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों को याद कर लिया करता है कि वो पिछले जन्म में क्या था, कहां से आया, किधर से आया। वर्तमान में भी ऐसी कथाएं, घटनाएं उपलब्ध हो जाया करती हैं। तो ये जीव के एक देह को छोड़कर दूसरे देह को धारण करने की प्रक्रिया है, वो मन में कैसे भाव रखता है, वो कैसी इच्छा रखता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं जीवों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूं, लेकिन हे अर्जुन, वो इच्छा कैसी रखता है ये उस पर निर्भर करता है। वो किस चीज की इच्छा रखता है, वो धन की कामना रखता है, मैं उसके धन की कामना को भी पूर्ण कर देता हूं। किसी संत ने इसी विषय में कहते हुए उन्होंने कहा कि अंत काल जो लक्ष्मी सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे सर्प योनि बलि बलि उतर। कि धन का चिंतन करने वाले, ऐसे भावों में रहने वाले लोग सर्प जैसी योनियों में, सर्प योनि कहने का मतलब ऐसी योनियों को वो प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि उनका मनोभाव ऐसा है, वो ऐसे योनियों में जा सकते हैं, ऐसे देह को, क्योंकि ऐसा चाहते हैं। तो जो हम चाहते हैं, जो जिसकी कमी हमें महसूस होती है, उसको हम प्राप्त करते हैं, जिसका हम चिंतन करते हैं। ये बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। स्वामी विवेकानंद ने इस विषय में कहा, वॉट एवर यू थिंक दैट यू विल बी, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप हो जाएंगे। जिन चीजों के आप चिंतन करते हैं, आप उन अवस्थाओं को, उन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये आकर्षण का नियम है, और यही सिद्धांत पुनर्जन्म के नियम पर लागू हो जाता है। ये बड़ा ही वैज्ञानिक है। कुछ लोग जो ये दावा करते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, यद्यपि इस संसार में जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, जो धर्म के विषय में चर्चा करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीव की आगे की गति को मानते हैं। इस देह को त्यागने के बाद जीव की आगे की गति होती है। कुछ समुदाय, कुछ मत, कुछ मतांतर का मानना यह है कि भाई वो किसी दूसरे शरीर में नहीं जाता। कुछ कह देते हैं कि नहीं, नरक में चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा, दोजख में चला जाएगा, जन्नत में चला जाएगा, लेकिन जाएगा कौन, कुछ बचेगा तभी तो जाएगा, इसलिए मृत्यु उपरांत कुछ है जो इस देह को छोड़कर कहीं जाता है,
उसकी गति होती है। गति होती है मतलब वो चलायमान है, वो कहीं जाता है, वो नष्ट नहीं होता। चाहे हम उसको स्वर्ग में नर्क में जाना कहें या दो जब जन्नत में जाना कहें या फिर हम उसको किसी देह में जाना कहें, पूरे विश्व में कोई ऐसा धर्म या कोई ऐसे संत या कोई ऐसे धर्म प्रचारक जिन्होंने इस अपने ज्ञान के प्रचार से सृष्टि को आलोकित किया हो, वो इस तथ्य को नहीं कहते कि जीव मृत्यु के बाद जीव की कोई गति नहीं है। जीव की गति है, संपूर्ण धर्म मानते हैं इस तथ्य को कि जीव की गति है, इस देह के त्यागने के बाद उसके आगे की गति है और वो गति निर्भर करती है श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद हमारे धर्म शास्त्र इस तथ्य को उजागर करते हैं कि जीव ये जो मनोमय कोश है वो क्या क्या धारण करके बैठा है, कैसे गुणों को धारण करके बैठा है, कैसी इच्छाएं हैं उसके अंदर। ये बहुत ही वैज्ञानिक तथ्य है। अगर हम इसे विज्ञान के माध्यम से और समझना चाहें तो एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो किस आधार पर होती है? एक हाइड्रोकार्बन है, एक कैंडल है, एक मोमबत्ती है, जब उसको जलाई जाती है तो उसके अंदर से धुआं निकलता है, हम देखते हैं वो जलती है, गायब हो जाती है। आप कागज जलाओ तो राख बन जाएगा, लेकिन आप मोमबत्ती जलाओ तो गायब हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वो कहां चला गया, वो किधर चला गया? वो सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट हुआ तो फिर क्या हुआ? उस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन निकला, कार्बन निकला, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से जाकर मिलकर वाटर बना लिया और कार्बन ने ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अब प्रश्न उठता है, इस वायुमंडल में तो अनेक प्रकार के गैसें हैं, अनेक प्रकार के तत्व हैं, लेकिन जब एक मोमबत्ती, जब कैंडल वैक्स जब जला, जब वो जलता है तो ऑक्सीजन से जाकर ही हाइड्रोजन क्यों मिला या ऑक्सीजन से जाकर ही कार्बन क्यों मिला? रसायन शास्त्र के वैज्ञानिकों से पूछे तो वो कहेंगे कि इसके अंदर जो कार्बन तत्व है, इसकी जो संरचना है, इसकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो इसका है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी है, उसकी क्या वैलेंसी है उस पर निर्भर करता है। उसे अपने आप को परिपूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और जिस तत्व से मिलेगा वो उसी तत्व से जाकर रिएक्ट करेगा, उसी तत्व से जाकर ही रिएक्ट करेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। वायुमंडल में चाहे जितने भी तत्व, वो जाकर ऑक्सीजन से ही मिलेगा और कहीं नहीं जाएगा। उसी प्रकार से किस इच्छा को लेकर, किस भावना को लेकर, किन गुणों को धारण कर यह जीव इस देह का त्याग करता है, उसी गुणों को वो प्राप्त होता है, उन्हीं योनियों को प्राप्त होता है, जहां पर जाकर उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो अपूर्ण कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाए। बहुत ज्यादा व्यथित है तो भटकता भी है, अगर शांत है तो फिर वो अति शीघ्र ही शरीर को प्राप्त हो जाया करता है, किसी न किसी देह को धारण कर लिया करता है। इसलिए इस जीव की अवस्था क्या है, उसके भाव क्या है, उसके गुण क्या है, वो सोचता क्या है, इसलिए हम अपना जीवन निर्धारित करना चाहते हैं। देखा जाए तो प्रत्येक दिन मनुष्य का एक नया जन्म है, उसके मन में जब जब एक नया विचार आता है उसका एक नया जन्म ही तो होता है, वो नया जन्म लेता है, नए तरीके से सोचना शुरू करता है और अपने भविष्य का निर्माण स्वयं ही करता है, अपने कर्मों से करता है, अपने गुणों से करता है। वो स्वयं ही निश्चित करता है कि वो इस मृत्यु के उपरांत किस योनि में जाएगा या अपने इसी जीवन में कैसे सुख दुखों को प्राप्त करेगा। ये कर्मों की श्रृंखला है, ये काल चक्र है, ये चलता आ रहा है। जीव अपने कर्मों से, अपने गुणों से ही ये सब कुछ निश्चय करता है, ये जीव के अपने हाथ में है। वो चाहे तो अपने कर्मों से अपने आप को शापित भी कर सकता है, नहीं तो अपने कर्मों से अपने आप को गौरवान्वित भी कर सकता है। आवश्यकता है इस सिद्धांत को समझकर जीवन जीने की, इस सिद्धांत को समझकर जीवन जीने की, एक ऐसा आध्यात्मिक जीवन कि हमारा आने वाला जीवन वो शांत हो, वो शांतिदायक हो, सुखदायक हो, वो गौरवान्वित जीवन हो और हम उस जीवन को आनंदमयी रूप से जी सके, आनंद की प्राप्ति कर सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहां विराम दूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।